नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिजनौर की, जहां से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा से मिली जानकारी के अनुसार बिजनौर में गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए लगभग 3.25 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया। बता दें कि बिजनौर में गुंडा माफियाओं पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन ने अलग अलग 4 अपराधी माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों की संपत्ति को कुर्क किया है। बता दें कि यूपी में जब से योगी सरकार पार्ट 2 बनी है, तब से बदमाशों की शामत आ गई है। गुंडा माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो वहीं बाबा का बुलडोजर भी लगातार चल रहा है। बिजनौर जिले के नगीना का वाहिद उर्फ टल्ली एक गिरोह बंद अपराधी है। इस अपराधी पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आरोपी की 10 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की। तो वहीं शेरकोट थाने के नौधना कस्बे के 3 अपराधियों सरफराज, शादाब और फैजान की 2,64,45,000 की संपत्ति को जब्त किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया, बिजनौर पुलिस ने आज 2 थानों में नगीना और बढ़ापुर के गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में लगभग 3.25 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। नगीना का अभियुक्त जो गोकशी का शातिर अभियुक्त था, टल्ली वाहिद उर्फ टल्ली, अनुचित दुनियावी आर्थिक भौतिक लाभ के लिए उसने धन कमाया था। 10 लाख रुपए के इसके मकान को एवं संपत्ति को सीज किया गया, जब्त किया गया। इसी प्रकार से अवैध रूप से फ्रॉड करके धन कमाने वाले मोहम्मद सरफराज, शादाब और फैजान, जो लकी ड्रा के नाम से तमाम तरीके से अवैध धन अर्जित किया था, गैंगस्टर एक्ट के तहत 2,64,00,000 रुपए की संपत्ति, इनके भूमि मकान को जब्त किया गया है। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।